यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संधि और समास किसे कहते हैं, या संधि और समास में क्या अंतर है, इन दोनों का परिभाषा क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? इसमें जब दो अक्षर आपस में मिलता है तो उनमें जो विकार पैदा होता है या उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें अ और अ, यह दो अक्षर है और इन दोनों के मिलने से बना है आ, यह क्या हो गया? यह संधि हो गया। उसी तरह से ई है और ई है, दोनों छोटा ई है और इन दोनों के मिलने से बना है बड़ा ई, यह क्या हो गया? यह हो गया संधि। तो संधि का परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहते हैं। अब हम समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए, संधि और समास में केवल इतना ही अंतर है कि संधि में दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलता है और समास में क्या मिलता है? तो समास में आपस में शब्द मिलता है और शब्द के मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समास। एक बार फिर से इसका परिभाषा देख लीजिए। यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द है राजा का पुत्र, यहाँ पर यह दो शब्द है ना, राजा का पुत्र यानी कि राजा और पुत्र, यह दोनों शब्द आपस में मिल रहा है तो बन रहा है राजपुत्र, तो यह हो गया समास। उसी तरह से यहाँ है गौरी और शंकर, यह दोनों मिल रहा है आपस में तो बन जा रहा है क्या? तो गौरी शंकर बन जा रहा है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही समास कहते हैं।